बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी अपनी बेबी के साथ, तो वीडियो नहीं बना सकी। वेल, आई एम रनिंग अ फेसबुक पेज, इट्स ऑल अबाउट मेकअप के नाम से, जहाँ पे मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट्स आई कि मैं जो सीरम मैंने बनाया है 24K गोल्ड सीरम, उसमें मैं रोगन कद्दू जिसको मैंने माइनस किया था वो ऐड करके उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूं। सेम वही तरीका है, आपने तमाम के तमाम जो ऑयल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें वेल्स का एलमंड ऑयल। आप कोई भी जो है एलमंड ऑयल ले लीजिए, इट डजेंट मैटर, लेकिन एलमंड ऑयल आपका परफेक्ट, मतलब खुला तेल आप ना यूज़ करें, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, ठीक है। एलमंड ऑयल वहीं आप रोज़ ऑयल ले लीजिए, ठीक है, पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। सेम लेमन ऑयल, ये चीज़ जो है ना, ये चेंज इसमें आया है, ठीक है। रोगन कद्दू, इसको मैं आपको खोल को बता देती हूँ कि इसके अंदर इस तरह का छोटी सी बॉटल है, ठीक है, वो है। अच्छा, और सेम वही ऑरेंज ऑयल, ठीक है, ये मैंने डबल कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने छोटा पीस डाला था, दिस टाइम आई बॉट टू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, वही चीज़ें सारी की सारी। वन, दिस इज टीस्पून, ठीक है, टू टीस्पून मैंने ले लिए एलमंड ऑयल, ठीक है, साइड पे करते जाएंगे। अच्छा, एलमंड ऑयल का ये आपको इसमें फ़ायदा होगा सीरम में कि आपके जो हल्के हैं ना सीरम, रात को लगाते वक्त जब आप लगाएंगे ना, मॉर्निंग में आप उठेंगे बहुत फ्रेश लगेंगे, प्लस आपके हल्के बिल्कुल उसके साथ रिमूव हो जाएंगे। रोगन गुलाब, अच्छा, टू टीस्पून मैंने एलमंड ऑयल डाला है, बाकी मैं डालूंगी 1.5, ठीक है, टीस्पून्स। सब वही चीज़ें हैं, कोई इसमें जो है अलग चीज़ नहीं है। ओवन एक कद्दू, ठीक है, इसके मैं आपके साथ रिजल्ट्स भी पे शेयर करूँगी, क्योंकि इसी की वजह से ये जो 24K सीरम है ये मैं दोबारा इसी ऑयल की वजह से फरमाइश पे बना रही हूँ। पेज के ऊपर बहुत काफ़ी सारी मेरी जो फॉलोवर्स हैं, आप भी फॉलो कीजिए मेरे पेज को फेसबुक के ऊपर, इट्स ऑल अबाउट मेकअप के नाम से है। लेमन ऑयल ये थोड़ा सा पतला होता है, लास्ट टाइम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसको हम साइड पे करते जाएंगे, लास्ट में मैं डालूंगी इसमें, सबसे एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंज ऑयल, ठीक है। एंड हाफ टीस्पून, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन सब को थोड़ा सा मिक्स दूंगी पहले, तमाम के तमाम ऑयल। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कोई भी इसमें जो है मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बहुत बेहतरीन है। लेकिन रिव्यूज़ में आपके साथ लोगों ने कद्दू के इसको 2-3 एप्लीकेशंस के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। गोल्ड लीफ काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो एहतियात के साथ एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, मिक्स कीजिए अच्छी तरह से इसको,
अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मेक श्योर कीजिए कि इसमें कोई भी जो है पीसेस जो है इसके ज़ाया ना हो जी। ये रेडी हो चुका है, ठीक है, ये देखें पीसेस इसमें हो गए। इसको मैं इसी बॉटल में स्टोर करूँगी, लास्ट टाइम जिसमें किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, यकीन जानिए इसका रिज़ल्ट जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल ऑयल हैं, कोई इसमें केमिकल्स नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कोई चिपचिपापन कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खाली अपने फेस के ऊपर लगाएं, आप इसका एक ड्रॉप जो है अपने डेली मॉइस्चराइजिंग जो आप हाथों पे यूज़ करते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। पैरों पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, ये देखिए बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है। थैंक यू सो मच, आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।